Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 6, The Rise of Autonomous Regional Kingdoms. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा यहाँ तक हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं. हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे हैदराबाद से. तो जो निज़ामुल मुल्क असफजा थे वो मुगल गवर्नर थे, ठीक है, कहाँ के, डेक्कन प्रोविंसेस की. कब से कब तक? 1713 से 1715 तक. 1713 से 1715 तक निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ मुगल गवर्नर हुआ करते थे डेक्कन प्रोविंसेस के. तो इन्होंने यहीं पे फाउंड किया द स्टेट ऑफ हैदराबाद. कब? 1724 में. वो प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ही थे, पर ये कंटिन्यू रखा इन्होंने रिकॉग्नाइज करना मुगल एम्परर को एज हिज सोवरेन. ठीक है, देखो जैसे अवध ने किया वैसे ही इन्होंने भी किया कि भाई अपना एक इंडिपेंडेंट रूल्स बना लिए, रेगुलेशन बना लिए. प्रैक्टिकली रूल इंडिपेंडेंटली कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं ये सोवरेनिटी किसकी मानते थे? मुगल्स की. ठीक है, मुगल्स को, मुगल एम्परर को रिकॉग्नाइज करते थे. असफ जहाँ के अचीवमेंट क्या थे? ये बहुत ही बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर थे. इन्होंने स्किल्ड सोल्जर्स को रिक्रूट किया एडमिनिस्ट्रेटर्स को, कहाँ से? नदन इंडिया से. इन्होंने मनसबदार को जागीर दी, ही अपॉइंटेड मनसबदार एंड ग्रांटेड दे जागीर. नॉर्थ इंडिया से अच्छे सोल्जर्स, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर लेके आए. इन्होंने जो करप्टेड ऑफिशियल्स थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उन्हें रिमूव कर दिया. जितने भी भ्रष्टाचारी लोग थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सबको हटा दिया, रिमूव कर दिया. ट्रेड को प्रमोट किया, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया ट्रेड को. और फाइनली ये सक्सेसफुल हुए अपनी किंगडम को प्रोटेक्ट करने में, इंटरनल थ्रेट से भी, एक्सटर्नल थ्रेट से भी. ना ही तो इंटरनल प्रॉब्लम इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर पाई, ना एक्सटर्नल प्रॉब्लम इन्हें परेशान कर पाई. पर बेटा अशफ जहाँ की जहाँ डेथ हो जाती है तो यहाँ पर वॉर ऑफ सक्सेशन चालू हो जाता है. और इस वजह से जो फॉरेन पावर्स होती हैं जैसे फ्रेंच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अपनी अपनी यहाँ पर जगह बना लेती हैं. एन एक्सक्यूज टू गेट इन्वॉल्व इन इंटरनल पॉलिटिक्स एंड किंगडम्स. देखो जो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही थी, किंगडम की इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही थी, इसमें एक जगह मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि भाई यहाँ पर तो वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है, ये लोग प्रॉपरली डील नहीं कर रहे हैं, तो चलो हम कुछ सलाह वगैरह दे देते हैं. और इस तरीके से ये पिक्चर में आ जाते हैं. अब हम देखेंगे कार्नेटिक को. तो कार्नेटिक भी एक सूबा था. कार्नेटिक भी क्या था बेटा? एक सूबा था. कार्नेटिक वॉज वन ऑफ द सूबा इन द डेक्कन. कहाँ था? डेक्कन में, अंडर द कंट्रोल ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद. कार्नेटिक एक सूबा था, किसके कंट्रोल में था? निज़ाम ऑफ हैदराबाद के कंट्रोल में था. तो जो नवाब थे उन्होंने अपने आप को फ्री किया निज़ाम के रूल से और एक हेरिडेटरी रूल बना लिया अपने स्टेट में. ठीक है, तो जो कार्नेटिक था वो सूबा था. किसका सूबा था? निज़ाम ऑफ हैदराबाद का, डेक्कन में, है ना. पर जो नवाब थे उन्होंने अपने आप को फ्री कर लिया निज़ाम के रूल से और एक हेरिडेटरी रूल इस्टेब्लिश किया अपने स्टेट में. इससे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई और वॉर ऑफ सक्सेशन होने लग गया. कहाँ पर? कार्नेटिक में. यूरोपियंस ने इसका बड़ा एडवांटेज लिया और वो इंटरफेयर करने लगी इंटरनल अफेयर्स में. भैया ब्रिटिशर्स तो बहुत ही समझदार थे, बिल्कुल मंकी की तरह. तुम लोगों ने वो सुना होगा ना, दो बिल्लियों की लड़ाई में सबसे ज़्यादा खुश जो होते हैं वही थे ब्रिटिशर्स. उन्होंने टेरिटोरियल इकोनॉमिक गेंस लिए आउट ऑफ दिस स्ट्रगल. ये जो स्ट्रगल चल रहा था, वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, इससे ब्रिटिशर्स को बहुत फ़ायदा हुआ, यूरोपियंस मतलब फ्रेंच को भी फ़ायदा हुआ, ब्रिटिश को भी फ़ायदा हुआ, और यहाँ पर उन्होंने बहुत फ़ायदा लिया. नाउ मैसूर. देखो कार्नेटिक के लिए बहुत ज़्यादा बातें इस पैराग्राफ में बताई भी नहीं है ना, बस ये बताया कि पहले ये डेक्कन के कंट्रोल में था, बाद में नवाब इसको फ्री कर लेते हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है, वॉर ऑफ सक्सेशन होने लगता है, यूरोपियन इसका एडवांटेज लेते हैं और टेरिटोरियल गेन उन्हें. नाउ मैसूर. तो बेटा एक पावरफुल विजयनगर एम्पायर था जिसका कोलैप्स होता है 17th सेंचुरी में. 17th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर पूरी तरह कोलैप्स कर जाता है. मैसूर एक पावरफुल किंगडम बन के उभरता है. ठीक है, मैसूर क्या बनता है बच्चा? मैसूर एमर्ज एज अ पावरफुल किंगडम फ्रॉम दिस डिसइंटीग्रेशन इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी. मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी में जो डिसइंटीग्रेशन होता है वहाँ से एक पावरफुल किंगडम का एमर्जेंस होता है जो कि होता है मैसूर. और एक किसकी लीडरशिप में होता है बेटा? हैदर अली की लीडरशिप में.
रूलर की बात करें तो हैदर अली, इनकी जो स्टोरी है बहुत ही फैक्सिनेटिंग है। ये फूट सोल्जर्स की तरह आर्मी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, किंगडम ऑफ मैसूर की, पर धीरे 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 करके इनकी रैंक बढ़ती जाती है और ये डिफैक्टो रूलर बन जाते हैं मैसूर के। ये वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है मैसूर की, उसको ओवरथ्रो कर देते हैं और अपनी अथॉरिटी को 1769 में वहाँ पर एस्टेब्लिश कर देते हैं। ही मेड मैसूर अ वेरी प्रॉस्पर एंड पावरफुल स्टेट। ये मैसूर को बहुत ही प्रॉस्पर, बहुत ही पावरफुल स्टेट बना देते हैं। अब हम देखेंगे टीपू सुल्तान, तो हैदर अली के बेटे थे टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान सक्सीड करेंगे हैदर अली को, ये पावरफुल रूलर बनेंगे। हैदर अली वॉज सक्सीडेड बाय टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान किसके बाद आए? हैदर अली के बाद आए। ये बहुत ही पावरफुल रूलर थे, इन्हें टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था। इन्होंने बहुत सारे सुधार किए, आर्मी को मॉडर्नाइज किया, और इनकी आर्मी को मॉडर्नाइज करने में इनकी हेल्प की फ्रेंच, ठीक है, आर्मी को मॉडर्नाइज किया, एडमिनिस्ट्रेशन को पक बढ़ा, दुरुस्त बना दिया, और स्ट्रेंथन किया इन्होंने इकॉनमी को बाय एनकरेजिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को बहुत एनकरेज किया, ट्रेड को बहुत एनकरेज किया, कॉमर्स मतलब व्यापार वाणिज्य, खेती किसानी, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, सब को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया टीपू सुल्तान ने, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो आपके पास टैक्स कलेक्शन अच्छा होगा, और टैक्स कलेक्शन अच्छा होगा तो एक राजा बहुत कुछ कर सकता है। इन्होंने सीवियर चैलेंज दिया दूसरे रीजनल पावर्स को और साथ ही साथ ब्रिटिश को भी। ब्रिटिश एक टाइम ऐसा था कि टीपू सुल्तान से डरने लग गए थे, तो रीजनल पावर्स को भी इन्होंने एक प्रॉपर थ्रेट दिया, ब्रिटिशर्स को प्रॉपर चैलेंज किया, क्योंकि इनका स्टाइल ऑफ गवर्नेंस बहुत अच्छा था। एग्रीकल्चर ने बहुत प्रोग्रेस की इनके टाइम में, ट्रेड कॉमर्स बहुत अच्छा चल रहा था। अब पहले मैं सिख को शुरू करूं कि पहले लेट्स डू दिस कर लें? अच्छा, पहले सिख को ही शुरू करते हैं। चलो, जो सिख थे उन्होंने पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर ली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ खालसा, ठीक है। जो सिख थे उन्हें पॉलिटिकल पावर मिली, मिलिट्री पावर मिली कब? खालसा बनने के बाद। खालसा बनाने वाले कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। दे रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी। इन्होंने मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया, किसकी लीडरशिप में? बंदा बहादुर की लीडरशिप में, ठीक है। बंदा बहादुर ने डिक्लेयर किया अपने आप को सोवरेन रूल ऑफ सिख, और अपने खुद के गुरु नानक के नाम पे खुद के कॉइन बनाने लग गए। तो फिर से सुनो, जो सिख थे उन्हें पॉलिटिकल पावर मिलिट्री पावर कब मिली? जब फॉर्मेशन हो गया खालसा का। खालसा किसने बनाया? गुरु गोविंद सिंह ने। ये रिवोल्ट करने लगे मुगल अथॉरिटीज से, किसकी लीडरशिप में? बंदा बहादुर की लीडरशिप में। और बंदा बहादुर डिक्लेयर्ड द सोवरेन रूल ऑफ सिख। बंदा बहादुर ने रूल डिक्लेयर कर दिया कि अब हम अकेले रूल करेंगे, हम सोवरेन होंगे, हमारे ऊपर कोई दूसरा कंट्रोल नहीं होगा। फिर इन्होंने कॉइन बनाने चालू कर दिए। कॉइन किसके नाम से बनाए? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव की नाम पे इन्होंने कॉइन बनाना चालू कर दिए। इन द रीजन बिटवीन, किस रीजन में बनाए बच्चा? सतलज और यमुना के बीच में। पर बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, इन्हें जेल में डाल दिया गया और इन्हें डेथ दे दी गई। ही वॉज हाउ एवर इम्प्रेशंड एंड पुट टू डेथ इन दिल्ली इन 1766 में इन्हें डेथ दे दी गई, और पहले इन्हें जेल में डाल दिया गया था। बेटा ये है महाराजा रणजीत सिंह। जो सिख थे वापस से प्रोमिनेंस, वापस से इम्पोर्टेंस में आएंगे लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी, 1780-1790 में ये वापस से पावर में आएंगे, जब इनको लीड कर रहे होंगे रंजीत सिंह। इन्होंने रंजीत सिंह ने ही बॉट ऑल द मिसल्स मतलब ग्रुप होता है, ऑल द मिसल्स टू टुगेदर एंड बिकेम द रूलर ऑफ पंजाब। इन्होंने सारी मिसल्स को साथ में ले आए और पंजाब के रूलर बन गए। इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई? लाहौर में बनाई 1799 में। इन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की 1809 में, किसके साथ? लॉर्ड मिंटो के साथ, जो कि गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। इसके बाद जो रिवर सतलज थी उसे एक्सेप्ट किया गया कि पंजाब की बाउंड्री की तरह रहेगी, सिख किंगडम की बाउंड्री की तरह रहेगी, ठीक है। ब्रिटिश टेरिटरी और सिख किंगडम के बीच में बाउंड्री किसकी बनाई? इन्होंने रिवर सतलज की। बाय दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी से जो ब्रिटिश थे इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम तुम्हारे इंटरनल मैटर्स में अब इंटरफेयर नहीं करेंगे। किसको? महाराजा रंजीत सिंह को कहा कि तुम तुम्हारे डिसीजंस खुद लो, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द राजपूत,
जो राजपूत स्टेट्स थे जयपुर के, मेवाड़ के, मारवाड़ के, उन्होंने भी ऑटोनमी हासिल कर ली, वो भी धीरे धीरे करके एक के बाद एक इंडिपेंडेंट होते गए, तब जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। फिर भी ये जो स्टेट्स थे बच्चा, ये फुल यूनाइटेड राजपूत एम्पायर कभी नहीं बन पाए, ये तो आपस में खुद ही लड़ाई करने लगे थे, कभी मेवाड़ मारवाड़ से लड़ रहा है, कभी मारवाड़ जयपुर से लड़ रहा है, ऐसे करके आपस में लड़ते रहते थे। ये जो किंगडम थी वॉज ऑल्सो प्लेग्ड बाई कंस्टेंट इंटरनल स्ट्राइव्स, आपस में अंदर ही अंदर भी लड़ रहे हैं, बाहर दूसरों से भी लड़ रहे हैं, राजपूत आपस में लड़ रहे हैं, राजपूत एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाई का प्लेग भी इनके किंगडम में था। एज अ रिजल्ट दे बिकम ईजी प्रे टू द एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, और ब्रिटिश की जो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज थी, इनका ये शिकार इजीली हो गए, क्योंकि जब आप साथ में हो है ना, इकट्ठा हो तो मजबूत हो, अकेले अकेले हो तो आपके अंदर कोई पावर नहीं है, पर क्या ही कर सकते हैं, कौन इन्हें समझा था, ब्रिटिश का इजीली शिकार बन गए ये लोग। बेटा चेक पॉइंट के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर खत्म। ओके।